हेलो ऑल, वेलकम टू पीटीएस। पीटीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं मेरे को। देखिए, जो टॉपिक है वो है पेनी स्टॉक। ठीक है, पेनी स्टॉक, जैसा कि आप नाम से ही समझते हैं, वैसे स्टॉक जो 20 रुपये से नीचे हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टिकट साइज के जो स्टॉक्स होते हैं, उसको हम पेनी स्टॉक कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या हमें पेनी स्टॉक लेना चाहिए, क्या हमें नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग बैच स्टार्ट हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को भी इंटरेस्ट है तो हमारे इस आइकन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए और ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन लीजिए और आज ही ज्वाइन होइए और अपनी लाइफ में अनुभव स्थापित कीजिए दोस्तों। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। अभी हाल फिलहाल के जो नए नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, जो नए नए बिगनर्स इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोग जो अच्छे स्टॉक हैं उन पे आदमी ध्यान नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि हो गई, ठीक है, ब्लू चिप कंपनी, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब फ्रंट लाइन स्टॉक हैं। एक होते हैं फ्रंट लाइन स्टॉक, ठीक है ना, और एक होते हैं हमारे पैनी स्टॉक, ठीक है। एक फ्रंट लाइन और एक पैनी स्टॉक। देखिए, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो फ्रंट लाइन आपका जो होता है, ये कभी भी इसके फंडामेंटल खराब नहीं होते। जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग होती है काफ़ी बढ़िया होती है और ये कभी दिवालिया नहीं होती। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की बात कर लो, टाइटन की बात कर लो, आप एक्सिस बैंक की बात कर लो, है ना, ये सब कुछ भी हो जाए, ये आपको बुल रन में, लॉन्ग रन में आपको ये प्रॉफिट ही देने वाले हैं, ठीक है, क्या देने वाले हैं, प्रॉफिट। लेकिन अगर हम जहाँ तक बात करें पैनी स्टॉक की, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आप सभी के लिए एक वर्चुअल ग्लोबल का एक वर्चुअल ग्लोबल नाम करके एक पैनी स्टॉक है, जो ये करीबन कितने पे है, ये है आपका 22 पैसे पे, 0.22 पैसे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आदमी अपना कॉमन सेंस, अपना साइकोलॉजी क्या लगाता है, जो कॉमन मैन होता है, जो मार्केट में भी जो नया एंटर किया, वो क्या सोचता है कि जो महंगा शेयर है उसमें मैं क्वांटिटी कम ले पाऊंगा, समझ रहे हैं आप, उसमें मैं क्वांटिटी कम ले पाऊंगा। लेकिन जो सस्ता स्टॉक है, फॉर एग्जांपल 1 रुपए का, 50 पैसे का, 2 रुपए का, उसमें मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले पाऊंगा। और वहाँ क्या होगा, अगर वो 1 का 2 रुपए हो गया तो मेरा 1,000 रुपये आ जाएगा दोस्तों। ये मेन चीज़ गड़बड़ होती है। देखिए, आपको, देखो, पहली बात, आप अपना कॉपी पेन लेके लिख लीजिए कि मार्केट क्या है। मार्केट में जो महंगी चीज़ है वही हमेशा महंगी होगी, सस्ती चीज़ ऑलवेज सस्ती होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जहाँ तक बात की जाए रिलायंस की, तो रिलायंस देखो एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा, बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है रिलायंस, ठीक है, इसीलिए आदमी सोचता है कि अरे यार, इसमें क्वांटिटी कम आएगी, इसको अवॉइड करते हैं, हम जाते हैं 1 से 2 रुपए के टिकट साइज वाले स्टॉक्स में। दोस्तों, यही यही बहुत बड़ी गलती होती है। देखो, लोग पूछते हैं कि यार सर, कोई 5 साल के लिए पेनी स्टॉक बताओ, ठीक है। देखो, मैं, आप कॉपी पेन लेके लिख लो कि 5 साल के लिए अगर आपको कुछ लेके छोड़ना है तो आप अभी पता है क्या ले लो, आप मारुति ले लो, ठीक है। अभी वैल्यूशन, अगर आपको 500 शेयर लेने हैं, अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो 50 शेयर अभी ले लो। आप रिलायंस ले लीजिए, अभी हाल फिलहाल में अगर 100 शेयर लेना है तो 50 शेयर, इन लेवल पे एक्यूमुलेट करना सीखिए आप सब, ठीक है। ये रिलायंस आपको पता होना चाहिए कि 5 साल में ये आपको यहाँ नहीं, ये डबल ट्रिपल हो जाएगा 5 सालों में। निफ्टी आपको यहाँ नहीं मिलेगा 5 सालों में, सेंसेक्स आपको यहाँ नहीं मिलेगा 5 सालों में। तो आपको काफ़ी लंबी सोच, काफ़ी ऊंची, काफ़ी बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, जब आपको, तभी आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा मार्केट में, ठीक है। अगर आप भी ये सब पैनी स्टॉक के चलते, पैनी स्टॉक के चक्कर में भागते रहेंगे तो देखो, आपको मार्केट बाहर कर देगा, आपको मार्केट बाहर का रास्ता दिखा देगा। चलिए, मैं, देखो, आपकी ही रिक्वेस्ट पे, देखो, मैंने वर्चुअल ग्लोबल, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए, मैंने ये दो, आई थिंक ये 2-3 महीने हो गए मैंने होल्डिंग की थी, ठीक है, 150 क्वांटिटी, समझ रहे हो,
150 क्वांटिटी मैंने कितने पे, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो आप सबको लाइव एग्जांपल, देखो ये मेरा होल्डिंग है, फॉर एग्जांपल मैंने आप सबको दिखाने के लिए मैंने ये 0.39 पैसे पे लिया था। मैंने क्या सोचा कि भैया 150 क्वांटिटी लिया है मैंने, अब ये क्या होगा, अब ये 10 पैसे भी बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, 15 रुपये बढ़ जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। आप देख रहे हो 39 से ये 20 आ गया, 39 वाला कभी 1 रुपये नहीं हो जाएगा। हाँ वो रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, एक्सेप्शनल केस है कि कभी हो जाएगा, लेकिन 39 वाला वो 20 to 10 पैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये देख रहे हो आप, ये मेरा पोर्टफोलियो 48.72% डाउन है। क्या है ये, 48.72%, ठीक है। मैंने क्या इन्वेस्ट किया था, 58 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 30 रुपीज़ बच गए, 28.50 रुपये माइनस। सोचो मैंने अगर यहाँ पे हैवी क्वांटिटी ली होती तो क्या होता मेरा। सो जो फ्रेश इन्वेस्टर होता है, जो नया जो आदमी होता है मार्केट में, वो इसी चक्कर में फंसता है, ठीक है, कि कम टिकट साइज़ का स्टॉक है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले लूँ। देखो ये बहुत गलत है, ठीक है, इसको आपको अवॉइड करना है। अगर आपको लेना है दोस्तों 5 सालों के लिए, अगर किसी को लेना है ना, आप रिलायंस उठा लो, आप मारुति उठा लीजिए, आप कोलगेट इन लेवल पे एक्युमुलेट कीजिए। तो ये सब चीज़ें देखो, आपको अगर कोई कंपनी रखनी है अपने पोर्टफोलियो में तो आप कंज्यूमर गुड सेक्टर रखिए, अगर उनका वैल्यूएशन सस्ता है तो आप उठा लीजिए। तो आदमी का दिमाग इस प्रकार से होना चाहिए, ना कि आपका दिमाग होना चाहिए कि मैं पेनी स्टॉक के पीछे भागूं। देखो ये आप लाइव एग्जांपल देख रहे हो ना, ये वर्चुअल ग्लोबल, भैया मैं आपको बता दूं कितने ये किसी ने तो 1 रुपये पे भी लिया होगा, 80 पैसे पे भी लिया होगा, 90 पैसे पे भी लिया होगा। तो क्या उनका 1 रुपये 2 रुपये हुआ? नहीं, उनका 1 रुपये फाइनली आके 30 पैसे हो गया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है, और कभी भी आपको फ्रंट लाइन और ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कभी भी थोड़ा सा उनका वैल्यूएशन सस्ता होने दीजिए। यार आप ये देखिए, आप क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं, आप थोड़ा ये सोचिए कि आप क्वांटिटी के पीछे भागेंगे या क्वालिटी के पीछे, समझ रहे हैं। आप रिलायंस में 10 शेयर भी लीजिए, यार 100 रुपये का मूव दे दिया, कितना हो गया आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको कोई और नहीं बताएगा, ये थोड़ा आपको खुद कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए, कभी भी आप किसी स्टॉक को, अगर कोई आपको स्टॉक मिलता है तो आप उस स्टॉक में सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे, उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिएगा, कि अगर 800 के ऊपर है, 800 के आसपास है तो वो स्टॉक गुड है, तो इसका मतलब वो स्टॉक बढ़िया कर सकता है इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो, ये वर्चुअल ग्लोबल, अगर मान लो कोई नौसिखिया आदमी, कोई अभी जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, अगर वो आए और इसको उठा ले, वो क्या सोचे कि भैया ये 22 पैसे पे मिल रहा है, ये 2-3-4-5 रुपये हो जाएगा, मैं 1,000-10,000 क्वांटिटी उठा लेता हूँ, तो क्या उसकी थिंकिंग ये सही होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे ये चीज़ नहीं पता है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि अगर कभी भी आप कोई स्टॉक को देखने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहे हैं, तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 800 के आसपास होना चाहिए। 1,800 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, 1,000 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, 800 से नीचे है खराब है, उसको आप लिस्ट मत करो, उसको आप अवॉइड करो। देख रहे हो ये मार्केट कैप कितना है वर्चुअल ग्लोबल का, 9.32 करोड़। ये कुछ नहीं है, इस कंपनी में कुछ खास नहीं है, ये बर्बाद कंपनी है। आरकॉम आप ले लीजिए, सपोज मैं अगर बात करूं, मैं रिलायंस का कम्युनिकेशन का एग्जांपल लूं, ठीक है, तो बताइए मेरे को कि रिलायंस कम्युनिकेशन में कितने लोग खुश होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन अभी 1 से 1.5 रुपये पे है। देखिए ये है आरकॉम का चार्ट, रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि दिवालिया हो चुकी है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि सपोज अगर कोई व्यक्ति, देखो व्यक्ति हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं, यहाँ भी कई बंदों ने बाई किया होगा कि भैया अब 6 रुपये पे अब लगता है 6 से 12 हो जाएगा, क्या उनका हुआ? नहीं हुआ। 6 से कहाँ चला गया वो आ गया 4 रुपये। 4 रुपये से भी लोगों ने क्या सोचा होगा, भैया 4 का 8 हो जाएगा, क्या 4 का 8 हुआ? नहीं हुआ। 4 का कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 रुपये पे भी लोगों ने सोचा होगा कि 2 रुपये का 4 रुपये हो जाएगा, क्या 2 रुपये का 4 रुपये हुआ? 2 रुपये का 1 रुपये हो गया। तो ये सब चीज़ें, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना,
ये आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देख रहे हो, सस्ती चीज हमेशा सस्ती होती जाती है। क्या? सस्ती चीज हमेशा सस्ती होती जाती है। अगर बात करें और मैं इसी के मैं साथ में रिलायंस का चार्ट खोलूं, ये देख रहे हो आप, रिलायंस हर डिप में खरीदारी। क्या? हर डिप में खरीदारी। ये अगर थोड़ा इसका वैल्यूएशन सस्ता भी होता है तो आप इसमें टूट पड़ो। क्या पड़ो? टूट पड़ो। क्यों? क्योंकि ये यहां नहीं रुकने वाला है 5 सालों में। ये आपको 5 सालों में बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला है। ये 1200 का 2400 हो जाएगा 5 से 6, 5 से 7 सालों में। तो ये चीज, ये डिफरेंस है पेनी स्टॉक में और ब्लू चिप और फ्रंटलाइन स्टॉक में। ये वैसी कंपनियां जो कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं, फॉर एग्जांपल कोलगेट है, डाबर है, रिलायंस है, ये सब क्या है, टाइटन है आपका, ये सब कभी आपको धोखा नहीं देंगी लॉन्ग रन में। ये सब बहुत बढ़िया प्रॉफिट देंगी। तो आपको क्या मैंने आज सिखाया, पैनी स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना है। और जिनके ऊपर भूत सवार हुआ है पैनी स्टॉक का, वो भैया वो ध्यान दे लीजिए। आप अगर पैनी स्टॉक लेना चाहते हैं तो आप ले लें, ठीक है, उसके नुकसान और हानि की जिम्मेदारी आपको होगी। सो दोस्तों, ये था पेनी स्टॉक का डिस्कशन। आई होप काफी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा और काफी लोग अब पेनी स्टॉक से दूर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, क्वालिटी पे फोकस करो भाई, क्वालिटी पे, ना कि क्वांटिटी पे। तो दोस्तों, एंड करते हैं ये वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, दिल से सब्सक्राइब करें। हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना है, अगर आपको भी अपने लाइफ अगर आपको भी अपने लाइफ में वो चीज़ का अनुभव करना है जो चीज़ प्रभात ट्रेडिंग सर्विस कर रही है, पीटीएस के पास वो चीज़ है जो चीज़ दूसरों के पास नहीं है, जिस चीज़ की आप सब तलाश कर रहे हो वो चीज़ हमारे पास है। तो आइए पीटीएस की ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ में सफलता का अनुभव प्राप्त कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।